हेलो एवरीवन, दीपिकाज वे में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मेरी ये रेसिपी है, ये है एक स्नैक्स आइटम जिसका नाम है चीज़ बॉल्स। इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये ऑलमोस्ट सभी को पसंद आते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कसी हुई चीज़ और चीज़ क्यूब्स। मसाले जो इसमें लगेंगे वो हैं ओरिगैनो 1 स्पून, चिली फ्लेक्स 1 स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और पेपर 1/2 स्पून। सबसे पहले हम मैश किए हुए पोटैटो में ऐड करेंगे अनियन, फिर ऐड करेंगे कैप्सिकम, फिर डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 स्पून, फिर ओरिगैनो 1 स्पून, पेपर 1/2 स्पून, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करनी है तो आप इसे 1 स्पून भी रख सकते हैं, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे और चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे मिक्सिंग बोल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर हेल्प करता है सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ बाइंड करने में और राउंडल्स बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम एक कटोरे में 2 स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और फिर उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और पानी डालकर इसका एक थिक स्लरी बना लेंगे। ये देखिए स्लरी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और राउंडल्स बनाना शुरू करेंगे। राउंडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया है और उसमें हल्का सा प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें चीज़ क्यूब डालेंगे और फिर इसे साइड से अच्छे से कवर कर देंगे। साइड से कवर करने के बाद अब हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। हम इसे हल्के हाथों से गोल करेंगे, नहीं तो ये हाथों में चिपकने लगेगा। ये देखिए मैं हल्के हाथों से इसे गोल कर रही हूँ। अब इसे गोल करने के बाद हम इसे डिप करेंगे स्लरी में और स्लरी में डिप करने के बाद हम इसे रोल करेंगे ब्रेड क्रम्प में। ब्रेड क्रम्प में रोल करने के बाद जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनता है। ये देखिए मैं आपको एक बार और बना के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसमें हल्का सा प्रेस करके चीज़ क्यूब्स डाला है और उसका एक गोल बना ले रही हूँ। इस स्टेप में मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्प में चीज़ बॉल्स को 2 बार रोल करूंगी। 2 बार रोल करने के बाद ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रिस्पी होगा। ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम रोल किया, उसके बाद मैंने इसे स्लरी में डिप किया और वापस से ब्रेड क्रम्प में रोल कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्प में रोल करने के बाद अब हम इसे प्लेट में रख देंगे और बाकी के बचे हुए मिक्सचर्स का भी राउंडल्स बना लेंगे। हम चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं और 2-3 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब हम एक कढ़ाई में मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और फिर उसमें चीज़ बॉल्स को डीप फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए चीज़ बॉल्स अब फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाकी बचे हुए चीज़ बॉल्स को भी सेम प्रोसेस से डीप फ्राई कर लेंगे। हम इसे सर्व कर सकते हैं डिप के साथ या फिर केचप के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय बाय।